हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करें जुमांजी द नेक्स्ट लेवल मूवी के बारे में। के मूवी देखकर मुझे पर्सनली कैसा लगा और क्या ये मूवी आप लोगों को इस हफ्ते देखनी चाहिए नहीं चाहिए। तो यार इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों का मजाक बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में हमें नजर आते हैं ड्वेन जॉनसन, कैरन गिलन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट और निक जोनस। उसके अलावा यहाँ पे हमें तीन नए एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया जैक कैसडन ने। कहानी की बात है तो कहानी शुरू होती है जुमांजी वेलकम टू जंगल के ठीक बाद, यानी कि चारों के चारों दोस्त जुमांजी से वापस अपने टाउन आ चुके हैं। लेकिन उसमें जो तीन दोस्त थे बैठनी, मार्था और फ्रिज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन स्पेंसर की बात है, स्पेंसर अपने आप को काफी इनसिक्योर फील कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जब बैथनी ने उसको पसंद किया था वो एक्चुअली स्पेंसर नहीं बल्कि ब्रेव स्टोन के अवतार में था। इसीलिए ब्रेव स्टोन की जो क्वालिटीज थी, जो उसकी खूबी थी, इसी वजह से बैथनी ने उसको पसंद किया था। अदरवाइज स्पेंसर में ऐसी कुछ भी क्वालिटीज नहीं है जिसकी वजह से बैथनी उसको पसंद करे, और इसीलिए वो खुद को इनसिक्योर फील करता और वो चाहता कि एक बार ही से वो गेम में दोबारा जाए और खुद को एक बार फिर से वो ब्रेव स्टोन के किरदार में देखना चाहता है। इसी वजह से उस गेम में दोबारा से चला था। इसके बाद हमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं इस मूवी की कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। देखो हर मूवी में कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है, इस मूवी में भी बिल्कुल वैसा है। अगर इसकी अच्छाई की बात करो तो इसमें हमें अच्छी चीज देखने को मिलेगी, वो है एक्शन सिक्वेंस। यानी कि जो ऑस्ट्रिच और मंकीज के साथ जो एक्शन सिक्वेंस पिक्चराइज किया वो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पर जैक ब्लैक के वन लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। केविन हार्ट और रॉक की जो कॉमेडी सीन्स है वो यार देख के एक अलग ही मजा आता है। उसके अलावा जो उसका यूएसपी है वो है अवतार्स को लेकर। अवतार्स को लेकर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो आपको फर्स्ट पार्ट यानी वेलकम टू जंगल में देखने को नहीं मिला था, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं जरा भी रिवील नहीं करूंगा अवतार्स को लेकर, वरना आपका जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। हाँ, अवतार्स को लेकर एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपको दो नए अवतार्स देखने को मिलेंगे, दो नए गेमिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एक तो एक जैपनीज गर्ल है और दूसरी है एक घोड़े का। उसके अलावा अवतार को लेकर क्या ट्विस्ट एंड टर्न है वो बिल्कुल भी मैं नहीं बताने वाला। खैर अब इस मूवी की कुछ नेगेटिव बात बोलता हूं। नेगेटिव बात ये है कि देखो इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स इतना अपीलिंग नहीं लगता, इतना ज्यादा मजा नहीं आता क्लाइमेक्स को देख के। और दूसरी जो इसकी नेगेटिव बात है वो है इसका विलन। विलन को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम के लिए इसको लिया गया, अदरवाइज विलन का इसमें कुछ भी काम नहीं है। और हाँ, टास्क की बात करो तो इसमें टास्क आपको जो जुमांजी वेलकम टू जंगल के बताए गए थे उसी से समझ लो एक दो लेवल आ गई है, यानी कुछ ज्यादा हाईफाई टास्क देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये मूवी आपको एंटरटेन करती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इस मूवी में एंजॉय करोगे, बोर होते नहीं हो। ये मूवी की लेंथ सिर्फ 2 घंटे की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये मूवी कब शुरू होगी कब खत्म होगी पता ही नहीं चला। हाँ बीच में कुछ कुछ सीन्स ऐसा लगता है कि बेमतलब के डाले गए, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस मूवी के एंड में दोस्ती से रिलेटेड बहुत अच्छा मैसेज दिया गया, वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और इस मूवी की जो एक और बात बता दूं वो है इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर आपको इतना समझ जाओगे कि इस मूवी के थर्ड पार्ट में आपको क्या बताने वाला है। आप जुमांजी के बहुत बड़े फैन हो जुमांजी फ्रेंचाइज के, तो आप लोग समझ जाओगे कि थर्ड पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो बस अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस मूवी की टिकट लो, क्योंकि ये मूवी एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से बनाई गई है। इस मूवी को काफी हद तक आप सिमिलर महसूस करोगे जुमांजी वेलकम टू जंगल से। फिर भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये मूवी अच्छी है, बच्चों को लेके जाइए, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आप हो, अगर आप जुमांजी फ्रेंचाइज के फैन हो तो ये मूवी आपको भी अच्छी लगी। कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि कुछ लॉजिक और कुछ दिमाग मत लगाइए, सिर्फ जाके एंजॉय कीजिए 2 घंटा। अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे VFX दिखना चाहते हो, अच्छी रिलेटेड फैंटेसी एडवेंचर वाली फिल्म ज्यादा पसंद है, तो आप ये मूवी जाके जरूर देखना। तो यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल बाय।